UPI अब फ्रांस में भी चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले फ्रांस में थे बेस्टल डे सेलिब्रेशन के लिए। उन्हें फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था और तभी हमें काफी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुनने मिली, और वो ये कि भारत और फ्रांस ने एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप शुरू की है। अब UPI फ्रांस में भी चलेगा और इसकी शुरुआत फ्रांस के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट आईफिल टावर से होगी। UPI भारत का सबसे इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम है जो अब भारत को ग्लोबल नक्शे पर एक बैंकिंग सुपर पावर बना सकता है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे UPI इंटरनेशनल हो रहा है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम भारत की प्रोग्रेस एक आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं करते। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज वो सब्सक्राइब या फॉलो बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, UPI इंटरनेशनल हुआ कैसे। हर साल जुलाई 14 को फ्रांस बेस्टिल डे सेलिब्रेट करता। पेरिस में बेस्टिल नाम का एक जेल था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इस जेल पर पेरिस के आम जनता ने अटैक किया और फ्रेंच राजा ने कैद किए आम लोगों को छुड़वाया। ये मोमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक सिंबल है, पुराने सिस्टम्स को तोड़कर एक नया और बेहतर सिस्टम बनाने का सिंबल। और इसी मौके पर हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस में थे। जैसे हमारे रिपब्लिक डे पर भारत में परेड होती है, वैसे ही इस दिन फ्रांस में परेड होते हैं। ये परेड हमारे PM ने अटेंड की और इसी सिम्बोलिक दिन पर एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप लोगों के सामने लाई, और वो ये कि भारत के टूरिस्ट अब आईफिल टावर में UPI से पेमेंट कर सकता है। एंड दिस इज अ बिग डील, क्योंकि इसके थ्रू हम यूरोप के बैंकों को ये कन्विंस कर सकते हैं कि UPI यूरोप के बैंकों के साथ भी सीमलेसली काम कर सकता है। चलिए जानते हैं कि UPI इंटरनेशनली काम कैसे करेगा और इससे एक इंडियन की लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट होगा। UPI फ्रांस में एनेबल होने जा रहा है, ये अनाउंसमेंट तो अब हुई, लेकिन इसके ऊपर काम करना NPCI ने एक साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जून 2022 में NPCI ने फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ एक MOU साइन किया। यूजुअली जब कोई इंडियन टूरिस्ट फॉरेन ट्रैवल करता है तब उसके पास पेमेंट के लिए 3 ऑप्शंस होता है। नंबर 1, फॉरेन करेंसी कैरी करो, यानी फ्रांस में ट्रैवल करते समय आपको आपके इंडियन रुपीस यूरोज में कन्वर्ट करने पड़ते हैं और यूरो इन कैश कैरी करने पड़ते हैं। नंबर 2, फॉरेक्स कार्ड ले लो, ये यूरोस खरीदने जैसा ही हुआ, लेकिन ये यूरोस आपके हाथ में नहीं आपके कार्ड में सेव होता है और कार्ड स्वाइप करने पर ये यूरोस डिडक्ट होता है। अब इन दोनों मेथड्स में प्रॉब्लम ये होता है कि ये कन्वर्जन रेट हमेशा बैंकों के फेवर में होता है, यानी बाय करते समय एक्सचेंज रेट से हाई प्राइस पर हम बाय करते हैं और सेल करते समय एक्सचेंज रेट से कम प्राइस में हमें सेल करना पड़ता है। प्लस ये प्री लोडेड कार्ड्स होते हैं, यानी हमें ट्रैवल करने से पहले ये अनुमान लगाना होता है कि कितना खर्चा होगा। अगर खर्चा हमारे अनुमान से ज्यादा हुआ तो ट्रैवल करते समय एक्स्ट्रा पैसों का बंदोबस्त करना पड़ता है, और अगर खर्चा कम हुआ तो बचे हुए पैसे आप ही के पास रहते हैं जिन पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। पेमेंट करने का तीसरा तरीका है कि आपका इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करो। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल पेमेंट्स एनेबल्ड है तो आप आपके इंडियन कार्ड से पेमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड में कन्वर्जन रेट होता बहुत हाई है। साथ ही साथ आपको एडिशनल 1% से लेकर 3.5% तक मार्कअप चार्जेस लगता है। यानी इन तीनों मेथड्स में इंडियन टूरिस्ट का किसी न किसी तरीके से नुकसान होता ही है, लेकिन अब UPI ये सारे प्रॉब्लम सुलझाने वाला है। चैप्टर 2, UPI की इंटरनेशनल डिमांड। इस साल यानी 2023 में भारत G20 का प्रेसिडेंट है और इस मौके पर कई इंटरनेशनल लीडर्स और डिग्निटरीज भारत आ रहे हैं। इस मौके का इस्तेमाल भारत ने UPI का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए किया और इंटरनेशनल लोगों को UPI कितना फास्ट, कन्वीनियंट और सीमलेस है ये दिखाया। इस डेमो का रिजल्ट हमें 13 फरवरी 2023 को देखने मिला, जहां हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया कि भारत का UPI अब 13 देशों में एक्टिव होगा। आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मास्टर कार्ड और वीसा जैसी कंपनीज इंटरनेशनल पेमेंट्स पर राज करती हैं और मनचाहा चार्ज लगाती हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को ये पता ना हो, लेकिन जब भी आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो सारे के सारे पैसे दुकानदार को या फिर वेंडर को नहीं जाते, कुछ पैसे कट होकर सीधा वीजा या मास्टर कार्ड को मिलता है, यानी आपके कन्वीनियंस की फीस वेंडर को चुकानी पड़ती है। लेकिन अब ये सिस्टम जल्द ही खत्म होगा। चलिए जानते हैं कि किन देशों के साथ UPI पार्टनरशिप्स होने वाली है। रशिया के लिए इस वॉर के समय ट्रेड एक काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये ट्रेड डॉलर में नहीं हो सकता,
इसीलिए युआन या फिर दूसरी करेंसीज में ट्रेड करने की बात हो रही है। यूपीआई और बैंक ऑफ रशिया के फास्टर पेमेंट सिस्टम FPS को इंटीग्रेट करके एक सीमलेस प्लेटफॉर्म बन रहा है। भारत का रूपे और रशिया के मिर कार्ड्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में है, जहां इंडियन वेंडर्स रूपीज में और रशियन वेंडर्स रूबल में पेमेंट कर सकते हैं। थाईलैंड में पिछले साल 11 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए, उनमें से 1 मिलियन इंडियन थे, यानी थाईलैंड के टोटल टूरिज्म का ऑलमोस्ट 10% भारत से आता है। इन टूरिस्ट के लिए आसानी हो, इसीलिए प्रॉम्प्ट पे सर्विस के साथ UPI इंटीग्रेट होगा। वैसे UAE का नेटवर्क इंटरनेशनल और मशरक बैंक, सिंगापुर का पे नाउ, यूनाइटेड किंगडम के तेरापे और पे एक्सपोर्ट, ओमान की सेंट्रल बैंक, ऐसे कई पार्टनर्स अब UPI को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इन सारी पार्टनरशिप्स में सिंगापुर की पार्टनरशिप काफी स्पेशल। सिंगापुर एशिया का सबसे रिचेस्ट देश है। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम $67,000 है, जो अमेरिका से भी हाई है। सिंगापुर की डेमोग्राफी भी स्पेशल है, क्योंकि सिंगापुर के टोटल पॉपुलेशन का 9% पॉपुलेशन एक इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2023 में सिंगापुर से भारत में $100 बिलियन रेमिटेंस के तौर पर आए, लेकिन इंटरनेशनल लॉज, फीस और बॉर्डर्स की वजह से पेमेंट्स के लिए ऑन एन एवरेज 24 घंटे लगते हैं, और $200 ट्रांसफर करने के लिए $3 से $6 तक फीस भी लगती है। इस साल फरवरी के महीने में सिंगापुर और भारत के बीच एक इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट हुई और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम एनेबल हुई। इससे होगा क्या? 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए समझते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स जो सिंगापुर में स्टडी करते हैं, उन्हें पैसा भेजा जा सकता है। इंडियन सप्लायर से सिंगापुर से गुड्स खरीदने पर पेमेंट UPI में हो सकती है। सिमिलरली अगर सिंगापुर के किसी कंपनी से कुछ खरीदना है तो फिर भी पेमेंट UPI से हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट दरवाजा ओपन करता है, और वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। गोल्डन गेट वेंचर्स, जंगल वेंचर्स, वोर्टेक्स वेंचर जैसी वेंचर कैपिटल कंपनी सिंगापुर में बेस्ड है। राइट नाउ सिंगापुर और भारत के बीच जो UPI ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन पर एक लिमिट है, ₹30,000 पर डे। लेकिन इस प्रोसेस की सक्सेस हमारे लिए FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नए दरवाजे ओपन करेगी। चैप्टर 3, बैंकिंग सुपर पावर। जब बैंकिंग या फिनटेक की बात करते हैं तो भारत का नंबर दुनिया में 3rd रैंक पर आता है। 2030 तक हमारा फिनटेक सेक्टर $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस करेगा, और तब तक हमारी इकोनॉमी एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी होगी, यानी आज से कुछ डबल। 5G एरा में भारत लाइटनिंग स्पीड से एक सुपर पावर या फिर एक ग्रेट पावर बनने जा रहा है, और इस लंबे जर्नी की शुरुआत होती है एक बैंक अकाउंट से। वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन डेटाबेस कहता है कि भारत के 80% लोगों के पास एक बैंक अकाउंट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू इंडिया में होने वाले बैंक अकाउंट्स का नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। बैंक अकाउंट होना लगती है काफी कॉमन बात है, लेकिन ये एक आम आदमी के लिए सुपर पावर है, क्योंकि हर बैंक अकाउंट एक यूनिक ID यानी आधार नंबर से लिंक्ड है। हाथ में होने वाला पैसा खर्च हो जाता, लेकिन बैंक में होने वाला पैसा सेव होता, इन्वेस्ट होता, आपके लिए प्रॉफिट कमाता। बढ़ते बैंक अकाउंट्स एक प्रूफ है कि भारत सुधर रहा है, आगे बढ़ रहा है। UPI एक रेवोल्यूशन है, और इसका इम्पोर्टेंस हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आज 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक, इस एप्पल से लेकर इस एप्पल तक, हर चीज आप UPI से खरीद सकते हैं। आज UPI ने 9 बिलियन ट्रांजेक्शन का आंकड़ा क्रॉस किया, विद अ नेट ट्रांजेक्शन वर्थ $200 बिलियन। ये है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI की ताकत, जहां भारत ने एक पूरा का पूरा सिस्टम खुद के बलबूते पर बनाया है, बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अब भारत इसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इंटरनेशनल पुश देना चाहता है, और इसका मेन रीजन यही है कि पूरी दुनिया डॉलर पर हद से ज्यादा निर्भर है। आज डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन चुका है। दुनिया का 80% ट्रेड डॉलर से होता है। आपके पास कोई भी करेंसी हो, उसे डॉलर में कन्वर्ट करना किसी भी और करेंसी में कन्वर्ट करने से ज्यादा आसान होता है, और ये अमेरिका को एक ताकत देता है, डॉलर को मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की ताकत। अमेरिका की फेड डॉलर को प्रिंट करती है, और दुनिया का $1 कैसे यूज किया जा सकता है इसे डिक्टेट भी करती है, और इसकी वजह से सिर्फ भारत के अगेंस्ट ही नहीं, किसी भी देश के अगेंस्ट एक्शन लेना अमेरिका के लिए पॉसिबल हो जाता है। इसे वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर कहते हैं, और अमेरिका खुद ने बनाए हुए सिस्टम्स को ऐसे ही पहले अब्यूज कर चुका है। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था, उन्होंने GPS सिस्टम से इंडिया को कट ऑफ कर दिया था। यहाँ अमेरिकन लीडर जॉन कॉनली की वो बात याद आती है, डॉलर इज आवर करेंसी बट योर प्रॉब्लम, जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। UPI के सारे ट्रांजेक्शन किसी न किसी इंडियन बैंक
बैंक से होकर गुजरता है। ये टेक्नोलॉजी हमारी है और इसे यूज करने में हम किसी भी फॉरेन देश पर निर्भर नहीं है। इससे हम डॉलर को टच किए बगैर इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए UPI इंटरनेशनल होना हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें इस बात की गारंटी देता है कि कल जाकर जियोपॉलिटिकल लेवल पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें इंटरनेशनली ट्रेड रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 4 कंक्लूजन। आने वाले समय में UPI भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला है। जहां दूसरे देश सिर्फ एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक आइडिया एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इस आइडिया के थ्रू हम डॉलर के आउटडेटेड सिस्टम को तोड़ सकते हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एक सोशल रेवोल्यूशन था, ये एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि अब भारत के ट्रैवलर्स UPI से इंटरनेशनली पेमेंट कर सकते हैं। गल्फ देशों में 70 लाख इंडियन रहते हैं, जो कल जाकर पैसे UPI के थ्रू सीधा अपने घर भेज सकते हैं। जब और बैंक्स ऑन बोर्ड होंगे, UPI के लिमिट एक्सपांड होंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूपीज में भी भारत में आ सकती है, और ये डेवलपमेंट हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट। फ्रांस के साथ ये पार्टनरशिप भारत के लिए एक मौका है ये प्रूव करने का कि वेस्टर्न देश भी हमारी देसी टेक्नोलॉजी सीमलेसली यूज कर सकते हैं, उसे अपनी मशीनरी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इनमें फायदा सबका है, लेकिन नुकसान सिर्फ कुछ कार्ड कंपनियों का, जो अननेसेसरी फीस के जरिए दूसरे देशों से पैसा चुराती हैं। अब आगे जाकर कुछ पॉइंट्स पर क्लैरिटी आना जरूरी है, जैसे कि UPI यूज करने पर कन्वर्जन फीस क्या होंगी। भारत में UPI तो फ्री है, लेकिन क्या ट्रैवल करते समय UPI पर कोई चार्जेस लगेंगे? अगर हाँ, तो इनमें से कितने भारत आएंगे और कितने दूसरे देश रहेंगे? UPI का डेटा कहाँ पर स्टोर होगा? क्या UPI ट्रांजैक्शंस भी 7 लाख के TCS लिमिट में काउंट होंगे? ये सवाल इम्पोर्टेंट है, और इनके जवाब जैसे ही हमें मिलेंगे, हम एक वीडियो फॉर्मेट में आप तक भी पहुंचाएंगे। इसीलिए अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, तो फिर वो सब्सक्राइब या फॉलो का बटन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि अक्सर हम भारत के नाकामयाबी के चर्चे सुनते हैं, लेकिन अब भारत की कामयाबी आपके मोबाइल फोन से लेकर आईफेल टावर चढ़ चुकी है। क्योंकि सच तो यही है कि भारत का सिक्का जल्द ही पूरी दुनिया में चलने वाला है, और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। Hey दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। UPI एक रेवोल्यूशन है, और इसने भारत को कैसे बदला है हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपको भारत की इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, तो फिर ये प्लेलिस्ट देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।